ऐसा भी यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करती हुई, और कितने खिलाड़ी तो बिल्कुल आसपास है स्मोक की वजह से, उनको पता भी चल पा रहा। वाला एक बार वीरू की अगर आप बात करेंगे तो वो टफ टाइम है, रोना का ये ग्रेनेड कल का मार कुछ दिख गया, जो फ्लो था वो अभी भी यहाँ पर बरकरार आ रहा है, और ये ग्रेनेड टीम रेड आउल एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम एनिग्मा और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें बढ़ाती हुई बड़ा एक पे डाक्षर जो कि जोन के एक अच्छे स्पॉट पर थे, सदर एरिया के शिफ्ट को यहाँ पर प्रेडिक्ट शैडो मेगा काफी लेट कर रहे थे और अब निकलना पड़ेगा, बट क्या जोन को प्रायोरिटी देंगे या फिर गेट कीपिंग सिनेरियोस यहाँ पर लेकर जाना चाहते हो मेगा, ये मैं देखना चाहूंगा बिकॉज अक्षत एक अलग फॉर्म में है, वो टॉप फ्रैगर यहाँ पर टॉप पर चल रहे हैं और शायद अपनी गन गेम पर अच्छा खासा भरोसा दिखाकर ये गेट कीपिंग सिनेरियोस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट अक्षत यहाँ पर नॉकआउट हो चुकी है, मुश्किलें बढ़ाई जा रही है, बट मैनमैन डाउन प्रज्वल बचे हैं सामने रिवेंज के दो प्लेस हैं, 8 बिट का प्लान अभी भी पूरा हो चुका है, जोन की बात करेंगे तो आई वाज अबाउट टू स्पीक द वेस्ट नाउ, नेवर माइंड कंटिन्यू कंटिन्यू। जी हाँ, बट एक चीज जो मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा, मैं भी ओमेगा डिस्ट्रैक्शन देते हैं लोअर रिच से, वहां पर जाके अगर आप देखेंगे भक्षत जो दूसरे खिलाड़ी है डेल्टा पीजी पे यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करते हैं, रेवेंज आई गेस मेरे ख्याल से बैकफुट में अभी के लिए देखने को मिल सकती है, बट अभी भी अगर बात करें टीम एलिमेंट की उनके पास भी अच्छा रिच एडवांटेज तो है, बट अगर आप मैप में देखेंगे दो खिलाड़ी जो कॉर्नर पर रुके हुए जिसका कोई आइडिया नहीं था 8 बिट की टीम को, फाइट चल रही है किसी और के साथ, फायदा उठा रहे कोई और, टीएसएम एफटीएस के प्लेयर्स यहाँ पर जिस एरिया पे रुके थे सारा का सारा जोन इनको मिल गया, ये तो पहले ही सर्कल में यहाँ पर बैठे हुए थे और आज जोन से दोस्ती कर कर आए हैं और जोन अच्छी दोस्ती निभा रहा है। देखिए मैं इसीलिए बात कर रहा था कि आपको जाने से पहले रश करने से पहले आपको दो तीन बार सोचना पड़ेगा और शायद यहाँ पर 8 बिट ने वो चीज शायद इग्नोर करी, उनको शायद श्योरिटी हो चुकी थी कि और टीम नहीं है, रशिंग करते ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डैमेज जिस तरह से आती है और आई गेस मेरे ख्याल से टीम एलिमेंट गेम से भी बाहर हो चुकी है, जी हाँ एलिमेंट तो गेम से बाहर हो चुकी है, प्लस रेवेंज का वो जो शॉट थे वो जो दो खिलाड़ी रेंज के पीछे बैठ रखे थे उनको तो एक फ्री फिनिश ही मिले वहाँ पर। बिल्कुल अब साथ ही साथ मिस्टर आईजीएल टेंसिटी की टीम जिन्होंने गॉडलाइक को डाउन किया था, लुक एट द अग्रेशन, चारों प्लेयर्स बचे और शायद यहाँ पर ये जानते हैं कि उस रिज के पीछे कोई तो है, हार्ड पीक जोन आ रहा है, जैसे ही बाहर निकलेंगे फाइनल बॉस के लिए फाइनल कॉल हो सकता है, और ये लीजिए 5 फिनिश पॉइंट्स अकेले मिस्टर आईजीएल के पास, नाम क्या आईजीएल है कहने को, ये फ्रंटलाइन कमांडर और ये टेंसिटी की टीम पाथ टू प्रो का दरवाजा आज टांगे मार मार के तोड़ेगी, इसे खोलो हमें फाइनल खेलना है। T10 के प्लेयर्स यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों में आए बिकॉज एक ऐसा ग्रेनेड आ जाता है जो दो प्लेयर्स को डाउन कर जाता है और इट्स नन अदर देन एक्विनॉक्स जो शायद नीचे बैठे राइजिंग स्टार्स को उतना राइज नहीं करने देना चाह रहे हैं, एक और ग्रेनेड आ रहा है गेम्स और क्या ये कनेक्शन ढूंढ कर जाएगा, इज दिस गोना अप, इज दिस ग्रेनेड गोना प्रोवाइड हिम सम डीसेंट डैमेज, आई थिंक यस यस No. Okay, तो अभी के लिए टाइम है, देखना चाहूंगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर ये हील अप करके आगे आने वाले हो। वो दैट ग्रेनेड कहीं ना कहीं तीनों को अच्छा खासा डैमेज मिला था, निंजा रायत को डाउन कर जाते हैं, जानते हैं इग्नाइट वहां पर तैनात है, मुझे लगता है कि टीएसएम एफटीएस का इशू होने वाला है। Hope for best, let's see, but हम यहाँ पर टेनेसिटी को भी कम नहीं आ सकते, 7 फिनिश निकाल चुके हैं इसमें से 6 फिनिश तो यहाँ पर मिस्टर आईजीएल के, लेकिन हेलेक्स T10 का वहाँ पर गेम से बाहर हो जाना थोड़ा सा झटका उनके लग सकता है, बट स्टिल अभी उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। टॉप 4 टीम की अगर बात करें कौन कौन सी वो टीम है, F1LS की तरफ से इग्नाइट अभी भी एक उम्मीद बांधे हुए यहाँ पर, मैं भी ओके तो टीएसएम एफटीएस के पास हायर ग्राउंड एडवांटेज, नीचे मिस्टर आईजीएल की टेंसिटी की टीम, एक कैजुअल्टी ऑन बोर्ड, 7 फिनिश पॉइंट्स, एक और ग्रेनेड आता है जो एक बार फिर से काफी को डाउन कर जाता है, कभी एक्विनॉक्स कभी ब्लेज, बट ये एरिया को थोड़ा सा रीपोजिशन करना पड़ सकता है टेंसिटी की टीम को बिकॉज टीएसएम एफटीएस के प्लेयर्स के पास काफी इंटेल है इस एरिया का, एक और ग्रेनेड और मुश्किलें बढ़ सकती है, बट क्या मिस्टर आईजीएल जो अभी तक के लिए अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं क्या बच पाएंगे इन ग्रेनेड से, क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल से तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, पीछे से मार्कोस गेमिंग का अच्छा सपोर्ट आता हुआ इग्नाइट यहां पर कहीं ना कहीं बेस को स्पॉट आउट करके डाउन करने की कोशिश करते हैं, देखते देखते टीजर एफटी से प्लेस यहां पर डाउन हो रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं फायदा मिस्टर राइजर को सकता है, बनने पा रही थी मिस्टर राइजर बिल्ली भी बट गेट पा रहा है, एक्विनॉक्स व्हाट एन अमेजिंग क्राउड शॉट दैट वाज, नो फिनिश पॉइंट्स के साथ एक्विनॉक्स इज लुकिंग लीथल एज ऑफ नाउ, 5 फिनिश पॉइंट्स इसकी लाड़ी के पास यहां पर आ चुके हैं, मार्कोस गेमिंग कल के जिस फ्लो में थी आज म्यूजिक कलर में दिख रही है, टॉप 3 के अंदर अपनी जगह लेकर आ चुकी है एफएनएलएस के प्लेस, मार्कोस गेमिंग के 3 खिलाड़ी और कहीं ना
गई चारों प्लेयर्स के साथ, काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्स के साथ यहाँ पर। टीएसएम एफटीएस के आज के दिन की शुरुआत बहुत बेहतर होती हुई इग्नाइट के पास यहाँ पर अभी के लिए M249 जैसे रैप करते हुए ये मार्कोस गेमिंग को थोड़ी सी मुश्किलें दे सकते हैं। ग्रेनेड आता है लेफ्ट हैंड साइड से, आप ओपन हो गए जहां पर टीएसएम एफटीएस से आप यहाँ पर वल्नरेबल हो चुके हैं। बट जारो गॉड, रौनक और सूर्या काफी इंटरलेस खिलाड़ी का, देखिए जितने जल्दी हो सके मार्कोस गेमिंग को FNLS इग्नाइट को टेक डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज TSM FTX उसका फायदा उठाने वाले नो डाउट। और वो डैमेज दे भी रहे, इग्नाइट की लोकेशन स्पॉटेड हो चुकी है, मेरे ख्याल से सूर्या फिनिश ऑफ भी कर सकते कभी भी, क्योंकि जस्ट कार के बिहाइंड में एक ग्रेड कुक होता है और इग्नाइट का कंफर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा हमें कुछ देर में। जी हाँ, फाइनली कंफर्मेशन आता हुआ एंड 4v3 का सिनेरियो यहां पर अब बनता हुआ। यहाँ पर TSM FTX कंटिन्यू कर पाएगी क्या, बैक टू बैक सिकंदर हमें देखने को मिलेगी। अभी के लिए शैडो हो चुके हैं यहाँ पर नॉकआउट, 3v3 का सिचुएशन अभी के लिए करंटली मैं बोलना चाहूंगा। भी यहाँ पर ब्लेस को कर देते हैं नॉकआउट। एंड एक चीज है यहाँ पर, दोनों टीम को एग्जैक्ट लोकेशन पता है, दोनों एक दूसरे के सामने है, कोई भी फ्लैंकिंग हमें देखने को नहीं मिलती हुई। वेल एग्जैक्टली रौनक की अगर आप बात करें तो प्लेस को अपन स्पॉट कर चुके हैं, क्वेश्चन यहां पर अनइवन हो चुके हैं। एंड मार्कोस गेमिंग जिस तरीके से कल का फ्लो यहां पर चल रहा था उसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए उसी चार्ज के साथ यहां पर ये टीम आज के दिन के पहले मैच के विनर बनकर आते हैं। और मार्कोस गेमिंग #2 से संतुष्ट हो नहीं लगता, ये #1 की गद्दी चाहिए। दिस इज सो सरप्राइजिंग मैन, कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम जो पूरे